बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी को हम डिस्कस करेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी कहते किसको हैं? रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब ये होता है कि एक कंपनी के पल्ले कुछ है भी है जो आपको कमा के देगी, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट पर कंपनी आपको कितना रिटर्न करेगी, ये हमें पता चलता है रिटर्न ऑन इक्विटी से। ठीक है, यानी हम जब स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं या किसी भी जगह हम अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हमें बताया जाता है कि आपको इतने पैसों के बदले में इतना रिटर्न मिलेगा। हर माह भी हो सकता है रिटर्न, हर साल भी हो सकता है। उसको फिर हम जो है वो स्टॉक मार्केट से कंपेयर भी कर सकते हैं कि अगर हम इस फलाने कंपनी में जो है वो उसके स्टॉक खरीदें तो उस पर हमें क्या रिटर्न मिलेगा। तो इसको जो है हम कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। और इसका जो फार्मूला होता है वो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इसकी टोटल इक्विटी, इसको कहा जाता है। ये प्रॉफिट कौन सा, इक्विटी कौन सा, ये मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन आपने जो है वो घबराना नहीं है। आपने यानी बिल्कुल कंसंट्रेट करके जब इस चीज़ को समझेंगे तो यकीनन जो है आपको बहुत फ़ायदा होगा ये। और एक और बात, जहाँ आप पूरा दिन जो है वो स्टॉक मार्केट के अपने शेयर देखते रहते होंगे, इतना टाइम वहाँ पर भी तो लगाते हैं, तो वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी हो जाती है तो परेशान मत होया करें। कई लोगों ने कमेंट किया कि आपकी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, तो मेरे भाई जब आपको ये चीज़ें समझाई जाती हैं तो सारी बात है समझाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तब ही सारी चीज़ अच्छे तरीके से समझ आती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक लोकल कंपनी का भी सारा रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल के भी बताऊँगा और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। आ जाते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। ये जो है हम कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुँच गए। अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ ख़ास तौर पर, यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है, अगर आपको यानी ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब भी कोई कंपनी कोई बंदा स्टार्ट करता है तो जो पैसा वगैरह वो इकट्ठा करता है, चाहे अपना हो, चाहे किसी बैंक से लोन लिया हो, चाहे जान पहचान से लिया हो, वो सारा जो है वो उसको हम लोग एसेट्स में शामिल करते हैं। एसेट्स या उसको कैपिटल भी कहा जाता है ये। ठीक है, इसमें यानी पैसा भी हो सकता है और उस पैसे से जो वो कोई कंपनी बनाता है, कोई मशीनें ख़रीदता है, कोई बिल्डिंग वगैरह जो है परचेज़ करता है, तो ये सारा जो है वो उसके एसेट्स में शामिल होता है। अब एसेट्स में जो इसके जो दो मेन पार्ट्स होते हैं वो एक इक्विटी और एक लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो इक्विटी की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले इक्विटी का यानी इक्विटी उस सरमाया को कहा जाता है, उस पैसे को कहा जाता है कि जो कारोबार शुरू करने के लिए उसने जो पैसा इकट्ठा किया वो सारा पैसा जो होगा वो हमारा जो है वो इक्विटी होगा। अब वो पैसा किससे इकट्ठा किया गया होगा, वो पैसा इकट्ठा किया होगा या कुछ अपना लगाया गया होगा, या अपने रिलेटिव्स वगैरह से लिया होगा, या अपने दोस्तों से लिया होगा, या कोई उसके जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है उनसे ये जो पैसा इकट्ठा किया वो सारा जो है वो इक्विटी में हम उसको कंसिडर करते हैं ये। फिर इसके अलावा जो दूसरे नंबर पर जो उसने पैसा इकट्ठा किया कारोबार चलाने के लिए, वो यहाँ पर आ जाता है लाइबिलिटीज़, उसको कहा जाता है ये। जैसे उसने बैंक से लोन लिया या किसी से लोन लिया, तो ये दो तरह की लायबिलिटी होती है जिसको हम पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। डेट टू इक्विटी का जो हमारा जो टॉपिक था उसमें हमने इसको डिस्कस किया था। तो लायबिलिटीज़ असल में दो तरह की होती है, एक करंट लायबिलिटीज़ और एक नॉन करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ की बात करें तो करंट लायबिलिटी को शॉर्ट टर्म डेट भी कहा जाता है और नॉन करंट लायबिलिटी को लॉन्ग टर्म डेट जो है वो कहा जाता है ये। ठीक है, ये लोन की जो है ये दो किस्में होती हैं। अब अगर जो है ना हम लोग इक्विटी की बात करते हैं, जिसका हमारा ताल्लुक भी है आज के टॉपिक के साथ, इक्विटी बेसिकली वो जो पैसा उसने इकट्ठा किया, चाहे अपना किया या अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर का लिया या अपने दोस्तों से लिया, ये भी तीन किस्म का होता है ये। उसमें जो सबसे पहली किस्म है जो इक्विटी शेयर कैपिटल जिसको कहा जाता है, ये वो पैसा होता है जो हम लोग जब शेयर ख़रीदते हैं तो उस कंपनी को देते हैं, तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल उसको कहा जाता है, जहाँ पर हमारा पैसा लगा होता है। सारी बात है, जब भी कोई कंपनी लिस्टिंग करती है तो वो अपना पैसा जो है वो आवाम से लेती है, तो उसके उसके बदले में उसको शेयर देती है, तो ये सारा जो पैसा वो इस इक्विटी शेयर कैपिटल में ऐड हो जाता है ये। फिर इसके अलावा जो दूसरे नंबर पर होता है कि कंपनी की कोई अपनी सेविंग हो, कोई कंपनी ने 3-4 साल में कोई अर्निंग की, उससे कोई रिज़र्व उसने इकट्ठा किया हो, कोई पैसे बचत किए हो उसने, वो सारा पैसा उसके रिज़र्व एंड सरप्लस में आ जाता है। और थर्ड नंबर पर ये जो ख़ास जो उसके स्ट्रेटजिक पार्टनर होते हैं, उसको शुरू में जब इसको पैसे की ज़रूरत थी तो उन्होंने फ़ौरन इसको पैसे दे दिए, उन लोगों को प्रीफर्ड जो है ना शेयर होल्डर्स कहा जाता है, और या इसको प्रीफर्ड इक्विटी भी कहा जाता है ये।
ठीक है। अब ये जो प्रीफर्ड इक्विटी होता है इसको उसने तय किया होगा कि हम आपको फौरी तौर पर तो पैसा दे रहे हैं, लेकिन आपने हमें हर साल प्रॉफिट में लाजमी जो है वो कुछ परसेंटेज जो है वो प्रॉफिट की देनी देनी है। तो ख़ास तौर पर ये जो कंपनी का मालिक होता है वो जहाँ लोन अपना जो है ना बैंकों में डेब्ट जो है कर्ज़ा वापस करता है, वो इन जो है ना प्रीफर्ड इक्विटी वालों को भी लाजमी उसको देने पड़ते हैं। ये तो ये चीज़ भी आपके जहन में होनी चाहिए कि जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो पहला प्रॉफिट में से ख़ास तौर पर जो कर्ज़ा देगा वो तो उसने लाजमी देना है बैंकों को, फिर उसके बाद उसने प्रॉफिट में से ये जो प्रीफर्ड शेयर होल्डर है उनको भी पैसे लाजमी देने हैं यानी डिविडेंड की शक्ल में, और फिर जो तीसरे नंबर पर जो बचेगा वो हम लोग आ जाते हैं कि उसकी अब मर्ज़ी है कि जो बचा वो हमें दे या ना दे वो इक्विटी शेयर कैपिटल में, यानी जो हम लोग शामिल आइए। अब इसमें एक और बात भी है कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल और रिज़र्व, इसको हम कॉमन इक्विटी भी कहा जाता है, और अगर तीनों को मिला दिया जाए यानी इक्विटी शेयर कैपिटल, रिज़र्व एंड सरप्लस और प्रीफर्ड इक्विटी को, इन तीनों को हम टोटल इक्विटी भी कहा जाता है। ये तो उम्मीद है कि यहाँ तक जो है ना आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब हमारे पास जो है ये मैं आपको अब थोड़ा एक छोटी सी एग्जांपल से जो है वो समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये अब हम अगर सपोज़ कर लेते हैं कि किसी कंपनी के पास जो टोटल एसेट्स हैं वो 1,00,000 रुपये के हैं, ठीक है, ये वैसे तो करोड़ों में होते हैं बल्कि बिलियंस में होते हैं। यहाँ पर आपको समझाने के लिए छोटी सी मिसाल ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी हो, फिर आप इसे बड़ी एग्जांपल से भी हम लोग समझ लेंगे। ये अब अगर हम लोग फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कंपनी के जो टोटल एसेट्स हैं वो 1,00,000 रुपये के हैं, उसमें से उसने 50,000 रुपया जो है वो इक्विटी की शक्ल में जो है ना वो शेयर होल्डर से लिया या रिज़र्व लिया या प्रीफर्ड जो है ना उसके जो शेयर होल्डर से उसने वहाँ से 50,000 इकट्ठा किया, और जो जो बैंक से उसने लोन इकट्ठा किया चाहे वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, वो 50,000 की लाइबिलिटी उसके ऊपर मौजूद है। ये अब जो है इस इक्विटी की भी आगे कंसिडर कर लेते हैं कि जो कॉमन इक्विटी है उसके जो है ना 40,000 रुपये, और ख़ासतौर पर जो प्रीफर्ड जो है इक्विटी जो लोग हैं प्रीफर्ड शेयर होल्डर है उससे उसने 10,000 रुपये लिए, यानी 40,000 रुपये उसने हमसे और कुछ रिज़र्व मिला के ये 40,000 बन गया, और जो प्रीफर्ड शेयर होल्डर है जिसको जिससे उन्होंने कंपनी वालों ने 10,000 रुपये लिए और इस शर्त पर लिए कि 15% जो है वो उनको हर सूरत जो है वो डिविडेंड दिया करेंगे ये, और ठीक है इस तरह ये जो लाइबिलिटीज़ है यानी ये भी 50,000 की यानी उसने कर्ज़ा लिया और ये भी तकरीबन 10% कर्ज़ा होता है, यानी 10% के हिसाब से उसे हर साल अदा करना पड़ता है चाहे उसको प्रॉफिट हो या लॉस हो, बैंक का कर्ज़ा उसने हर सूरत देना है ये। अब अगर हम इसकी स्टेटमेंट निकाल लेते हैं यानी अगर हम यहाँ पर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि उसको पहले साल जो है 50,000 रुपये का फ़ायदा होता है, ये अब 50,000 में से उसने सबसे पहले इंटरेस्ट पे करना है यानी ये जो लाइबिलिटी है ये उसने पे करनी है, ये 10% थी तो 50,000 का 10% 5,000 बन गया, तो उसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया इस 50,000 में से 5,000 हमने माइनस किए तो ये तकरीबन 45,000 बन गई। फिर इसने कुछ इनकम टैक्स भी देना है, जो गवर्नमेंट के टैक्स होते हैं वो ऑलमोस्ट 30% होते हैं, तो 30% जब हमने इनकम टैक्स भी इस पर लगा दिया तो वो 13,500 इनकम टैक्स आया। अब इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से जब हमने इनकम टैक्स माइनस कर दिया तो अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 31,500, ठीक हो गया, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। फिर अगर हम इसका रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे जिसका फार्मूला है कंपनी प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी, कंपनी प्रॉफिट का मतलब जो उसको टोटल प्रॉफिट हुआ आफ्टर टैक्स और टोटल इक्विटी उसके पास कितनी थी, तो टोटल प्रॉफिट तो उसके पास आया 31,500 और टोटल इक्विटी हमें पता है यहाँ पर हमने बात की थी, ये जो टोटल इक्विटी है उसकी 50,000 की टोटल इक्विटी है, जब हम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये तकरीबन हमारे पास आ जाएगी 63% तो यानी 63% उसका यानी वो कंपनी रिटर्न दे रही है ये। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम चाहते हैं कि हम अपने यानी जो हमने पैसा डाला उस पर हम रिटर्न का पता करें, ना कि हम प्रीफर्ड इक्विटी के बारे में बात करें, जो हमारा कॉमन इक्विटी है उसका प्रॉफिट कितना आएगा उसकी भी स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। ये जैसे यहाँ पर ये सारी चीज़ें वही हैं, जैसे अर्निंग जो है उसको 50,000 की हुई, 10% टैक्स निकाल दिया और इसके अलावा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और फिर इसके बाद जो है ना ये जहाँ पर यहाँ तक तो स्टेटमेंट तकरीबन 13,500 तक सेम है। अब यहाँ पर हमने प्रीफर्ड डिविडेंड का जो 15% है, जो 10,000 का 15% है वो हमने जो है वो बीच में से निकाल दिया, तो ये 1,500 रुपया बनता है, यानी जो प्रीफर्ड डिविडेंड जो प्रीफर्ड शेयर होल्डर्स को बनता है तो वो भी हमने 1,500 रुपया यहाँ पर इसमें ऐड कर दिया। तो जब इस 1,500 को हम इस जो है ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से जो है ना बिफोर टैक्स में से ये टैक्स और प्रीफर्ड डिविडेंड माइनस कर देंगे तो अब जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पास आएगा वो 30,000 रुपये आ जाएगा।
तो जब हम 30,000 को प्रॉफिट आउट जब फार्मूले में पुट करेंगे, 30,000 और शेयर होल्डर इक्विटी जो है, अब जो शेयर होल्डर इक्विटी है वो टोटल नहीं आएगी, बल्कि चाहिए जो कॉमन इक्विटी की हम बात करें, क्योंकि हम अपना निकालना चाह रहे हैं कि हमारे पैसों पर कितना रिटर्न आएगा, तो उसको हम 40,000 से डिवाइड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 75% जो है रिटर्न ऑन इक्विटी बन जाएगा। तकरीबन उम्मीद है कि यहाँ तक भी आपको बात समझ आ गई होगी। अब इसके बाद जो है कुछ बैंक जो है वो खास कुछ कंपनीज जो होती हैं वो कुछ दो नंबर ही करते हैं कि यानी कि अपना रिटर्न अच्छा दिखाने के लिए जो है वो लायबिलिटीज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं, तो इसका रिटर्न उनका ज़्यादा शो होता है तो, और इससे जो है ना वो इन्वेस्टर को अपनी तरफ खींचते हैं, यानी ये भी एक धोखा देने वाली बात होती है। बाज़ कंपनी बाज़ अवकात ऐसा करते हैं, ख़ासतौर पर जब डिज़ास्टर वगैरह आता है तो उस टाइम सारी कंपनियां लॉस में जा रही होती हैं, लेकिन कुछ कंपनी जो है वो आर्टिफिशियली तौर पर अपना रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो ज़्यादा शो कर रही होती हैं। हम देखते हैं कि अगर लाइबिलिटीज़ को थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो उस पर रिटर्न ऑन इक्विटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसके साथ हम इसकी तीसरी एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो एसेट्स हैं, कैपिटल है, ये है 1,00,000 रुपये। वही वाली बात है जो पीछे वाले हमने बात की कि 1,00,000 कैपिटल हो गया, अब उसने इक्विटी में टोटल पैसे रखे 20,000, जबकि लोन उसने ज़्यादा जो है शो किया, यानी लोन यानी डेब्ट ज़्यादा खरीदा यानी लिया उसने, वो हो गया 80,000, यानी कंपनी के ऊपर डेट जो है वो ज़्यादा है, 80,000 का डेट आ गया और इक्विटी सिर्फ जो है वो 20,000 है। ये अब जो है ना हम इसके बाद आगे बात करते हैं कि अब इसकी अर्निंग जो है, अर्निंग वही है उसकी 50,000, उसको पहले साल 50,000 का फ़ायदा होता है। इस सूरत में अब उसका जो इंटरेस्ट रेट है 80,000 पर 10% हो जाएगा 8,000, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे तो ये बन जाएगा 42,000, 50 में से 8 हमने निकाल दिया तो 42,000 बन गए। टैक्स सेम था 30%, जब टैक्स 30% निकाला तो ये 12,600 बन गया, और फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 29,400, ठीक है, यानी इसमें से हमने माइनस कर दिया। तो अब जब हम रिटर्न ऑन इक्विटी का फार्मूला लगाते हैं, कंपनी प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी, कंपनी प्रॉफिट आया 29,400 और टोटल इक्विटी हमारे पास थी 20,000 की, तो जब हमने इसके साथ डिवाइड किया तो अब जो रिटर्न ऑन इक्विटी आया वो 147% जो है वो रिटर्न ऑन इक्विटी आया। तो ये जो है ये एक ह्यूज अमाउंट है, तो बस कंपनी ऐसे भी धोखा देकर इन्वेस्टर को काबू कर लेते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा हमें ये भी चेक करना पड़ता है कि क्या कंपनी जो है वो डेब्ट उन्होंने लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ। जब डेट लिया हो तो फिर हम इसको रिटर्न ऑन इक्विटी को फिर नहीं चेक करेंगे, फिर हम एक और टर्म होती है रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड का जो है ना इक्विटी, वो फिर हमारा अगला लेक्चर होगा। यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जांपल भी देता हूँ, ख़ासतौर पर हम किसी भी कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी उसका क्या है ये, तो इसका भी मैं आपको लाइव जो है किसी वेबसाइट से बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने ये वेबसाइट खोली है scstrade.com, तो आप भी जब ये ओपन करेंगे तो इस तरह का आपके पास पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कोई भी कंपनी सर्च कर लेते हैं कि अगर हम उसका रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना चाहते हैं। किसी भाई ने जनरल टायर के बारे में पूछा था, हम वही कंपनी जो है वो सर्च कर लेते हैं, GTYR इसका जो है शॉर्ट फॉर्म है, तो ये हमारे पास आ गया जनरल टायर। तो जनरल टायर का जब पेज हमारे पास आएगा तो ये कुछ इस तरह का पेज हमारे सामने आएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि इसका रिटर्न ऑन इक्विटी चेक करें कि कितना ये जो है ना रिटर्न दे रही है, तो हम आ जाते हैं इसकी ईयरली फाइनेंशियल जो है इसकी स्टेटमेंट हम खोल लेते हैं ये। तो अब आप लोगों को इसकी ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गई, ये 2019 की बात करते हैं। तो इसका जो टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर निकाला हुआ है तो ये तकरीबन जो है ना 122,876 हमें नज़र आ रहा है, और ये 1,000 में है ये, तो ये काफ़ी बड़ी अमाउंट बनती है। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं ये एक, इसके लिए यानी रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए आपको पता दो चीज़ें चाहिए कि प्रॉफिट और डिवाइडेड बाई टोटल इक्विटी। टोटल इक्विटी की अगर हम लोग बात करें तो ये नीचे ही आपको टोटल इक्विटी आपको इसकी नज़र आ रही होगी, यहाँ पर ये तकरीबन 3 करोड़ और 34 लाख कुछ है, और आगे 0 भी लगाएंगे तो ये अमाउंट बिलियंस में बन जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आपके सामने एक कैलकुलेटर जो है ये ओपन कर लेता हूँ। तो जब कैलकुलेटर हम ओपन कर लेंगे तो हमारे सामने हम इसको यहीं पर ही कैलकुलेट करते हैं कि इसकी जो टोटल इक्विटी है वो कितनी आ रही है ये। तो यहाँ पर हम इसको रख लेते हैं, टोटल प्रॉफिट आया इसका 122,876, ये फिगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं 876, ठीक है। आगे वो 30 हम नहीं लगाते, ऊपर भी नहीं लगाएंगे, नीचे भी नहीं लगाते, फिर वो कैलकुलेटर में ज़रा रीडिंग लंबी हो जाएगी तो एरर आ जाएगा ये। तो इस टोटल जो है ना प्रॉफिट को हम डिवाइड कर लेते हैं इसकी टोटल इक्विटी, टोटल इक्विटी आपको यहाँ पर ये नज़र आ रही होगी
33, 40 और 782, तो इसको हम डिवाइड करते हैं 33, 40 और 782 से। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी टोटल इक्विटी 0.036, और हम परसेंटेज में बात करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो इसकी टोटल रिटर्न ऑन इक्विटी आ गई 3.67, और आगे 8 है तो हम इसको 3.68 हम कहते हैं कि इसकी 2019 का जो रिटर्न ऑन इक्विटी आया वो 3.68 है। तो हम जो है ये चेक भी कर लेते हैं कि क्या जो हमने कैलकुलेशन की है वो ठीक की भी है या गलत की है। तो 3.68 को हम यहीं पर रहने देते हैं। हम अब यहाँ पर आ जाते हैं रेशियोज़, ये जो साइड पर आपको रेशियोज़ नज़र आ रही है यहाँ पर इन्होंने भी कैलकुलेट करके ही दिया होगा, यानी आपको सारी चीज़ें जो है वो दी होती हैं ये रेशियोज़ वगैरह भी, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी लाजमी दिया होगा। तो यहाँ पर हम जनरल टायर की जो है हम चेक कर लेते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, ये नीचे नज़र आ रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी 2019 की जो है 3.68, तो हमने भी ये जो कैलकुलेट की थी 3.68 जो है इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी है ये। तो इस तरह जो है रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करते हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि हमने अब इसका चेक भी करना है कि इस कंपनी के ऊपर डेट की क्या पोजीशन है ये। तो डेट भी आपने लाजमी देखना है, बाज़ औक़ात कंपनी डेट ज़्यादा शो करके जो है ना रिटर्न ज़्यादा शो करती है, तो वो लाजमी हमने देखना है कि इसके डेट की क्या पोजीशन है। तो डेट को देखने के लिए मैं आपको दो तीन तरीके बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हम इस कंपनी का ओवरव्यू करते हैं, ओवरव्यू करने के बाद जो है इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। तो इसके नीचे सबसे पहले हम सॉल्वेंसी से हल्की फुल्की पर नज़र मार लेते हैं क्या पोजीशन है ये। तो टोटल डेट टू इक्विटी इसका जो है ये 2.67, यानी इसका मतलब ये कि ये 2.76 है इसका डेट, इज़ ह्यूज डेट इसको कहा जाता है। यानी हमने डेट ऑन इक्विटी के टॉपिक में डिटेल से देखा था, तो 1 से ऊपर हो जाए तो बहुत ही ड्रेडफुल कंडीशन है। तो इसकी भी फिलहाल मौजूदा कंडीशन बहुत ड्रेडफुल है, यानी बहुत यानी ख़तरनाक सूरत हाल है इसकी। और टोटल लॉन्ग टर्म डेट टू एसिड्स की बात करें, जो टोटल डेट टू एसिड ये भी तकरीबन 0.73, ये भी यानी बहुत ज़्यादा इसके डेट है। और हम चेक भी कर लेते हैं कि वाकई ये जो फिगर हमें नज़र आ रही है ये एज इट इज़ मौजूद है या नहीं है, तो वाकई इसके पास इतना ज़्यादा कर्ज़ा मौजूद है। तो इसके लिए जो है हम दोबारा आ जाते हैं इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर आ जाते हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है ना हम आ जाते हैं यहाँ पर इसकी टोटल लाइबिलिटीज़, ये जो बैलेंस शीट के ऊपर जो करंट लाइबिलिटी और फिक्स लाइबिलिटी जो टोटल लाइबिलिटीज़ है, यानी इसके ऊपर जो टोटल कर्ज़ा है ये, तो ये हमें नज़र आ रहा है ये तकरीबन 9 करोड़ जो है वो 13 लाख और 42,070, और आगे 3 जीरो भी लगा देंगे। इस 9 करोड़ इसके टोटल इसे कर्ज़ा देना होता है, और इसका प्रॉफिट कितना होता है हर साल, इसका प्रॉफिट तो सिर्फ लाखों में है 1,22,876। तो यकीनन ये एक ड्रेडफुल किस्म की कंडीशन है कि आमदनी सिर्फ हो रही है लाखों में और कर्ज़ा जा रहा है करोड़ों में। तो इसीलिए हमें वहाँ पर जो है सॉल्वेंसी में अच्छा खासा जो है वो लोन नज़र आ रहा था। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फ़िलहाल इस कंपनी से आप लोग दूर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। जिस कंपनी के ऊपर इतना ज़्यादा डेट चढ़ा हो तो उसके इंसॉल्वेंट होने के बहुत चांस होते हैं, यानी दिवालिया होने के उसके बहुत चांस होते हैं। तो इसलिए फ़िलहाल ये कंपनी क्राइसिस में है, तो हमने हर उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है जो प्रॉफिट में जा रही हो। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।